nothing. शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे देखिए यहाँ जमा होने का मकसद जी, मेरा नाम है आसिया हसन बाबा और हमारे जमा होने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम सबके तमाम लोगों के मुश्तरका मसाइल हैं। हम उमर अब्दुल्ला साहब की अनाउंस करदा रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर वापस आए, जो कि 2010 में अनाउंस की गई और ये जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी अनाउंस की गई थी। तो फिर ये बाजुबानी उमर अब्दुल्ला साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, तो ये उन्होंने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की कि जो लोग यहां से आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मेरे खुलकर बताइए आप जो लोग यहां से मिलिटेंसी से इफेक्ट होकर यहां से चले गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो यहां पर वापस आ सकते हैं और एक इज्जत वाली जिंदगी और पुरसकून जिंदगी और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो जब उन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस की तो जाहिर है कि ये हमारे ही लोगों के लिए थी। तो जब ये ऐलान किया गया तो इस ऐलान ने तमाम लोगों के दिलों में अपने वतन की मोहब्बत को दोबारा से पैदा किया, तो और ये फिर ये लोग वापस यहाँ आए। तो ये जो यहाँ से वहाँ गए थे ये सिंगल गए थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में, कराची में, लाहौर में और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये कयाम इन्होंने किया। तो वहाँ की खवातीन से शादी की, तो जाहिर है किसी को 10 साल 15 साल 20 साल वहाँ हो चुके थे रहते हुए, तो जाहिर है कि अपनी अपनी फैमिलीज को लेके यहाँ पे हम सब ये सारे मर्द हजरात वापस आए जिनका ताल्लुक यही कश्मीर से है। तो हमारा मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी अनाउंस की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की, वो तो बिल्कुल ही रह गई है एक तरफ। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की थी, तो बराए मेहरबानी उस पॉलिसी के तहत हमें रिहैबिलिटेट किया जाए और फिर ये कि हमें सफरी दस्तावेजात दी जाए। अगर हम यहाँ के शहरी हैं, हमारे हस्बैंड यहाँ के शहरी हैं, तो हमें सफरी दस्तावेजात दी जाए, हमें पीआरसी दी जाए, हमें पासपोर्ट दिया जाए, हमें शनाख्ती कार्ड आईडी कार्ड दिए जाए। तो ऐसी किसी तरह की कोई भी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद नहीं है। जाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करने के लिए इन तमाम दस्तावेजात की जरूरत पड़ती है, तो हम में से किसी भी औरत के पास दस्तावेजात मौजूद नहीं है। हम तकरीबन आई थिंक 500 टू अबव खवातीन, तो ये 500 जो खवातीन हैं इनके साथ बच्चे हैं, जाहिर अपने शोहरों के साथ आई हैं, तो वहां पर अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, बहन भाइयों को छोड़ के आए हैं। इन 10 साल 15 सालों के दौरान कितनी सारी औरतें हैं जिसमें से मैं भी शामिल हूँ, हम सबके यही मुश्तरका मसाइल है कि किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई वहाँ, किसी के बहन भाई गुजर गए, हम 10 सालों में किसी की शक्ल भी नहीं देख सकते। तो खुदारा आपने जो ये पॉलिसी अनाउंस की तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार रियासत का ये फर्ज बनता है कि वो अपने शहरियों को उनके हकूक मुहैया करे। तो हम अपने उसी हकूक की आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इन 10 सालों में भी हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, अपने पुरअमन प्रोटेस्ट किए और अपने हकूक आपसे मांगे। तो बराए मेहरबानी हम उमर अब्दुल्ला साहब और जो अभी मौजूदा हमारे गवर्नर साहब हैं यहाँ पर, तो क्योंकि गवर्नर राज है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब से और इमरान खान साहब से, हम इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी आप हमारे हालात ज़ात पर रहम कीजिए, हमें सफरी दस्तावेजात मुहैया करें, क्योंकि हमारे पास कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं, हमारी शनाख्त नहीं है, आपने हमारी शनाख्त ही हमसे छीन ली। तो अगर किसी के पास उसकी शनाख्त नहीं होगी तो वो क्या कहलाया जाएगा। दूसरा ये कि हम पे केस डाल दिए गए हैं, हमारे खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं, वो FIR बराए मेहरबानी आपने हमें इन्वाइट किया, हम यहाँ कोई घुस नहीं गए, जुर्म के तहत FIR कटे गए, आप यहाँ अनलीगल रह रहे हैं, हमें कहा जा रहा है आप अनलीगल रह रहे हैं। हम भाई कैसे अनलीगल है, आपने कहा आइए तशरीफ लाइए, आप कह रहे हैं कि आप मुजरिम हैं, आप क्रिमिनल हैं। तो बराए मेहरबानी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं,
ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کے سامنے درخواست کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور جو ہمارا مین مسئلہ ہے یہ کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے, اپنے رشتے داروں کو دیکھ نہیں سکتے. کتنی ساری عورتیں یہ حسرت. Thank you.